My name is Kim Namjoon. I'm worldwide handsome. I'm Suga. J-Hope. I'm Jimin. I'm good boy. I'm JK. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेटिव इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ डेविल माफिया लव इनोसेंट गर्ल का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। ये ड्रामा कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम ड्रामा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो तेई अपने फर्स्ट नाइट को जोंगकुक से कहती है, मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मुझसे क्यों शादी की है। मुझे नहीं पता इस शादी के पीछे का रीज़न क्या है, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी और हमेशा लॉयल रहूँगी तुम्हारे लिए, पर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकूँ। जोंगकुक बिना कुछ कहे तेई की बातों को सुन रहा था। देखो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं शादी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ खिलवाड़ करूं। भले ही तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती से शादी की हो, पर मैं इस शादी को पूरे मन से निभाऊंगी। पर तुम्हें मुझे टाइम देना होगा। तुम मेरे साथ अभी कोई ज़बरदस्ती मत करना वरना मैं टूट जाऊँगी। ये सब कहते हुए बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। हमारा हार्टलेस जोंगकुक वैसे तो चुपचाप तब से तेई की सारी बातें सुन रहा है और फिर तेई के दोनों हाथों को अपने हाथों में होल्ड करके कहता है, जियोन तेउंग, पहली बात तो तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मानता हूँ मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है और अगर नहीं करता तो शायद तुम्हें खो भी देता, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मर्ज़ी के बिना मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। देखो, मैं एक माफिया हूँ और साथ ही मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हूँ, तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होगी। जो तुम चाहती हो वो सब मैं तुम्हें ला कर दूँगा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी किसी लड़की के पास नहीं गया हूँ। तुम पहली हो जिसे मैंने पसंद किया और जिसे मैं पाना चाहता था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और तब से लेकर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम फाइनली अब मेरी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम जब चाहो तब मेरे पास आ सकती हो और टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, अब बहुत बातें हो गई, चलो सो जाते हैं। इतना कहकर जोंगकुक तेई को बेखक करके सो जाता है। मॉर्निंग में सबसे पहले तेई की नींद टूटती है। जब तेई की नींद खुलती है तो तेई देखती है कि जोंगकुक बड़े प्यार से उसे पकड़ कर सो रहा है। वो एकदम खरगोश के बच्चे जैसा दिख रहा था, इसलिए तेई उसके ब्यूटी को बहुत अच्छे से एडमायर करने लगती है। थोड़ी देर जोंगकुक को ऐसे देखने के बाद जैसे ही जोंगकुक थोड़ा बहुत मूव करता है तो तेई सोने का नाटक करती है। जोंगकुक जब सुबह उठकर तेई को देखता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि तेई सोने का नाटक कर रही है। तो वो उसको कहता है, अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। तेई फट से उठ जाती है और कहती है, ऐसा मत करना, मैं उठ गई हूँ। फिर वो भागते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। जोंगकुक तेई की ऐसी क्यूट मूवमेंट देखकर बहुत हंसता है। फिर तेई बहुत ही प्यार से जोंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जोंगकुक भी फ्रेशन अप होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। तभी सुगा भी उनके घर पर आता है। तेई सुगा को देख के बहुत खुश होती है और उसे भी नाश्ता करने के लिए कहती है। सुगा भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। तब तेई पूछती है, क्या जिमिन ठीक है, तुमने उसे कुछ किया तो नहीं ना। सुगा कहता है, डोंट वरी भाभी, मैंने उसे कुछ नहीं किया है और उसे सही सलामत उसके घर छोड़ दिया है, आप टेंशन मत कीजिए, वो बिल्कुल सेफ है। जोंगकुक कहता है, अच्छा किया। तेई अब मैं ऑफ़िस के लिए निकल रहा हूँ। फिर सुगा और जोंगकुक दोनों ही ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो घर काफ़ी बड़ा था और घर में सिर्फ एक ही मेड थे, जिस वजह से तेई सोचती है कि घर का सारा काम उसे अकेले करना होगा और वो पूरा दिन घर के कामों में खुद को बिजी रखती है। शाम को जब जोंगकुक वापस आता है तो देखता है कि तेई बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से थक कर सोफे पर ही सो रही है। कहता है,
भाई मुझे लगता है तुझे अब सर्वेंट रख लेना चाहिए, क्योंकि ते भाभी इतना काम करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगी, इससे वो बीमार हो जाएंगी। तो एक सर्वेंट का इंतज़ाम कर लेगा तो अच्छा होगा। शुगा की बात जोंकू को कई हद तक सही लग रही थी, तो वो शुगा को ही कहता है कि तू ही एक अच्छा सर्वेंट ढूंढने में मेरा मदद कर, तुझे तो पता है मेरे कितने दुश्मन हैं, अगर कोई ई तेई को या फिर मुझे हार्म करने की कोशिश करे तो, इसलिए तू ही ये काम कर अच्छा, और कोई बहुत अच्छा सर्वेंट ढूंढ के ला जिससे हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो शुगा कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो तेई को कैरी कर रूम में लेके जाता है एंड उसे बेड पे अच्छे से सुला देता है। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और तेई और जोंकुक का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो चुका था। शुगा भी कई बार जोंकुक के घर आता जाता रहता था, इसीलिए शुगा भी ज़्यादातर तेई के घर पर ही रुक जाया करता था। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और अब तो कहीं ना कहीं तेई भी जोंकुक को पसंद करने लगती है। जोंकुक अब उसे बाहर आने जाने भी देता था, तेई कभी कभी बाहर घूमने भी जाया करती थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों से मिलने जाएगी, जिस वजह से जोंकुक से पूछना गई भी थी। पर तभी शुगा और जोंकुक किसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसे सुनकर तेई रुक जाती है। जोंकुक और शुगा काफ़ी हद तक टेंशन में दिखाई दे रहे थे। तेई बहुत हिम्मत करके अंदर जाती है और पूछती है कि क्या बात है, आप लोग इतना टेंशन में क्यों हैं। जोंकुक कहता है हम जो डिज़ाइन लॉन्च करने वाले थे, हमारी ऑपोजिट कंपनी ने उसे 1 घंटे पहले ही लॉन्च कर दिया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम डिज़ाइन को कैसे प्रेजेंट करें। मुझे तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, पर आप लोग अगर मुझे बताओ तो मैं ड्रॉ करके दे सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा ड्रॉ करती हूँ। तभी शुगा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन जो तेई से बनवाता है प्रेजेंट करने के लिए। शुगा के कहे मुताबिक तेई भी एक बहुत प्यारा डिज़ाइन बना देती है, जिसे फ़िलहाल तो काम चल जाता। फिर भी जोंकुक उस इंसान को ढूंढना चाहता था जो उसे अपने कंपनी में रह कर ही चीट कर रहा होता है। तभी तेई कहती है जिमिन ये सब काम में बहुत माहिर है, आप लोग चाहो तो जिमिन की मदद ले सकते हो। ऐसे ही तेई उन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। जोंकुक बहुत खुश होता है, कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम सिर्फ मेरे घर पे ही नहीं बल्कि मेरे ऑफिस में भी काफ़ी मदद कर रही हो। थैंक यू तेई, तुम्हारी वजह से आज मेरा इतना बड़ा लॉस होने से बच गया। एंड फिर वो लोग अपने ऑफिस के काम में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और जोंकुक तेई को आकर कहता है कि कल हमें एक बिजनेस पार्टी में जाना है, तो तुम्हारे लिए मैं एक नई ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम इसे पहन के देख लो और कल रेडी रहना, शाम को मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। पहले तो तेई इस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, पर जोंकुक के कहने पर वो रेडी हो जाती है और आ जाती है। तेई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जोंकुक बस तेई को घूर घूर के देखे ही जा रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो जाए और तेई को किस कर ले और उसे अपने बाहों में भर कर बहुत प्यार करे। ऐसा तो वो कर नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर कर तेई के हाथ पकड़ कर पार्टी में आ जाता है। तेई को वैसे तो ये पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन तेई बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसी वजह से सब उसे घूर घूर के देख रहे थे। तेई को बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए वो पार्टी से जल्दी घर जाना चाहती थी। पर जोंकुक जब अपने पार्टनर्स के साथ बात करने में बिजी रहता है तो तेई को और ज़्यादा अकेला फील होने लगता है। तभी जोंकुक के पास एक लड़की आती है और वो जोंकुक से काफ़ी चिपक चिपक कर बातें कर रही थी। वो किसी बिजनेसमैन की लड़की होती है और जोंकुक इतना हैंडसम है कि कोई भी उसे देखकर पसंद कर लेता है। तेई को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, भले वो ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी। और गुस्से में आकर तेई अनजाने में ही ड्रिंक कर लेती है और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। ड्रंक होने के बाद वो बहुत ज़्यादा हंगामा करने लगती है, वो उठपटांग हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसे देख जोंकुक तो परेशान हो जाता है और को लेके उस पार्टी से घर आ जाता है। नशे की हालत में तेई जोंकुक से अपनी मन की सारी बातें कह देती है और उससे अपना प्यार भी, जिसे सुन पहले तो जोंकुक विश्वास नहीं करता है, लेकिन तेई जिस तरीके से अपने प्यार को कन्फेस कर रही थी, जोंकुक को उस पर विश्वास हो जाता है। वो तेई को हग करके कहता है आई लव यू सो मच तेते, मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। तेई जोंकुक को अपने पास कर किस करने लगती है।
तभी जोंगकुक तेई को रोकते हुए कहता है कि तुम अभी नशे में हो और ये सब ठीक नहीं है अभी। तो तेई कहती है, नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आज मैं अपनी शादी को एक्सेप्ट भी कर लूँगी। फिर दोनों अपने लव डबी ड्रीम वर्ल्ड में बिजी हो जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपने लाइफ को एंजॉय करने लगे। और यहाँ हमारे ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, ये ड्रामा आप लोग को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक नए ड्रामे के साथ मैं आप लोग से फिर मिलूँगी। अब बाय बाय, टाटा सारंगे हो।